झालावाड़ से सुरेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट के अनुसार जिले के डग विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर भाजपा मंडल चौमला व उन्हेला द्वारा संयुक्त रूप से उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें क्षेत्र से लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से किसानों व आमजन को हो रही परेशानियां बताई गई। ज्ञापन में लिखा गया कि डग चौमेला गंगधार भवानी मंडी सहित संपूर्ण जिले में प्रतिदिन 10 से 15 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से रात्रि के समय गांव में बच्चे औरतें सहित किसान व आमजन बहुत ज्यादा परेशान है। इन दिनों डेंगू मलेरिया वायरल सहित कई प्रकार की बीमारियां चल रही है, ऐसे में बिजली कटौती से बीमारियां बढ़ने का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं दिन में भी बिजली नहीं होने से पेयजल समस्या सहित लघु उद्योगों पर इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। ज्ञापन देते समय भाजपा मंडल अध्यक्ष गौतम जैन, सुल्तान सिंह, रतनलाल राठौड़, अशोक गायरी, आदित्य कटारिया, भैरूलाल, करण सिंह इत्यादि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल चौमेला और मंडल नागेश्वर उन्हेल के तत्वाधान में इस राजस्थान की गुंगी बेरी सरकार को, जो आज तक इतनी बिजली कटौती हो रही है कि इसका कोई न तो समय है न कोई टाइम है, आज 3 दिन से दिया हालत है पूरे इलाके की कि 24 घंटे में से 4 घंटे भी बिजली नहीं आ रही है। न तो आदमी दिन में सो सकता है, न रात में काम कर सकता है, न सो सकता है। तो इस गुंगी बेरी सरकार की नींद उड़ाने के लिए हमने महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और महामहिम से ये रिक्वेस्ट करी है कि आप किसी भी हालत में इस सरकार को अवगत कराएं और ये बिजली कटौती अघोषित इसको बंद कराए, या इसका कोई समय हो तो नियुक्त करे कि 2 घंटे 4 घंटे जितनी बिजली कटेगी उस समय तो हो, बिना इतला के बिना कोई समय के बिजली काट रहे हैं। इससे हर आदमी आग परेशान है और इस बिजली को कटौती को कम की जाए, खत्म की जाए, वो पूरी 24 घंटे बिजली दी जाए। इसके अलावा बिजली के बिल जो अंडरस्टैंड पूरे भारत देश से राजस्थान का अलग ही नियम है, तो वो भी बिजली के बिल कम किए जाए, क्योंकि काजगार सभी प्रकार से त्रस्त है। पिछली सरकार पूरी बोर्ड अब फसल बोर्ड हो चुकी है और ये काजगार इस बिल जमा नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें भी छूट दी जाए और बिजली के बिल में छूट दे के इस लाइट की सही सुधार किया जाए, वह समय पर काजगारों की सुनी जाए और काजगारों को मुआवजा दिया जाए, काजगारों को बीमा क्लेम राशि दी जाए। ये सारी मांग को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। इसीलिए जय हिंद जय भारत।